कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक दिन के प्रवास पर रतलाम पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। रतलाम में आज प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मध्य प्रदेश में स्वागत सत्कार और अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति कांग्रेस कार्यकर्ता कैसे बनाए इस पर संवाद करने के लिए रतलाम आए। उन्होंने होटल अजंता पैलेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल जी भूरिया, युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और रतलाम के जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र जी कटारिया तथा कांग्रेस के सभी सदस्य और नेता बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें यास्मीन जी शेरानी, शांतिलाल वर्मा, सुजीत उपाध्याय, शीतल सेवा दल के मोहित मिश्रा, संगीता कांकरिया और सतीश पुरोहित झाबुआ की जनपद अध्यक्ष एवं आसपास के छोटे बड़े सभी नेता उपस्थित रहे। युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भी जोशीला भाषण दिया और अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा कि अगर उन्हें इसके लिए जेल भी जाना पड़े तो उसके पीछे नहीं हटना चाहिए। वे खुद भी अभी जेल होकर आए और वहां भी दो वक्त की रोटी मिलती है। उन्होंने अपने युवा कार्यकर्ताओं को एक सैनिक की तरह लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। भाजपा और मोदी सर को उन्होंने हिटलर शाही वाली सरकार बताया तथा कहा कि हिटलर के शासन में एक पोस्ट प्रोपेगेंडा नेता की हवा करती थी। उसका काम होता था कि वे थोड़ी थोड़ी देर में हिटलर के कान में जाकर उनसे झूठ बोलने को बोलता था और कहता था कि अगर झूठ 100 बार बोला जाए तो उसे दुनिया सच मान लेती है, तो आप भी झूठ बोलते रहो और झूठ भी इतना जोर से बोलो कि जनता को सच लगने लगे। श्री पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्रकारों का अभिवादन किया, सम्मान किया और उनसे आग्रह किया कि आप मोदी जी ने जो वादे किए थे उसमें कितने वादे पूरे किए ये बताइए। आप चौथा स्तंभ हो, ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद आप भारतीय जनता पार्टी से या उनके सदस्यों से नेताओं से प्रश्न भी ना पूछ सको, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। हमें उनके उभरते दूर करना है और रतलाम सैलाना और रतलाम ग्रामीण से ऐतिहासिक पदों से लीड लेने का काम हमें है कि ये समय हम सारे कांग्रेस के लोग कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। कठिन परिस्थितियां हैं, राजनीतिक भाषा बोल देना कि नहीं नहीं हम तो ये है वो है, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कठिन पल, कठिन लम्हे और कठिन परिस्थितियों से हम लोग जूझ रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है, रतलाम के कार्यकर्ता की बैठक में हमारे इतने सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये वो साथी हैं जो जब समुद्र में तूफान आता है तो नाव की पतवार इनके हाथ में होती है और नाव कभी डगमगाती नहीं है, इतने मजबूत हाथों में हमारे नेता आ रहे हैं। मैंने कहा कि कठिन परिस्थितियां हैं, ऐसे समय जब हमारे परिवार का मुखिया राहुल गांधी जी के रूप में हमारे बीच में आ रहा है तो हम सब जानते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। सिर्फ याद दिलाने के लिए हम सारे लोग यहाँ पे आए हैं और ऐसा जलजला रतलाम की सड़कों पे आ जाना चाहिए, क्योंकि रतलाम का नाम आते कभी कभी डर लगने लग जाता। विक्रांत बोल रहे थे अभी पार्टी आने जाने वालों के लिए, तो हिटलर में जीतू भाई और हम कार में चर्चा कर रहे थे कि हिटलर के समय एक मंत्रिमंडल में प्रोपोगंडा मंत्री होता था उसके समय पे, ये सत्य घटना। और वो प्रोपोगंडा मंत्री हिटलर को सलाह देता है कि अब तुझे ये करना है, अब तुझे ये करना है। उस समय ये कहावत बनी थी, वो प्रोपोगंडा मंत्री उसके कान में बोलता था कि हिटलर साहब सच की दुकान चलाओ, ये झूठ की दुकान चलाओ, आप इससे कभी चिंतित मत होना। ये मानव स्वभाव है कि यदि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो जनता उसको सच मानने लग जाती है, तो आप तो कोशिश करना अपनी छवि बनाने के लिए कि झूठ भी हो तो इतनी जोर से बोलना भाषण में कि वो सच लगने लग जाए। वर्तमान समय में जो 4-6 दिन पहले परिस्थितियां बनी आपने देखी, हिटलर का जो जमाना था वो इस समय किस तरह से एक षड्यंत्र करके जाल बुन के, और जब सरकार चलाई जाती है तो भावनाओं की और नफरत की और घृणा की बातें होती है। वोट लेने का मापदंड अलग है,
और बातें करने का बात, वादे करने का, वचन देने का, गारंटी देने का मानदंड अलग है। मैं मानता हूं कि एक साइकिल होती है जो झूठ का भी एक अंतोगत्वा सत्य की जीत होती है। झूठ कितने दिन चलेगा ये दौर है। मैं इस बात को भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि अगर फिर भी बीजेपी जीतती है तो हम में भी कुछ कमी होगी, हमारे संगठन के सुधार की कमी होगी, हमारे समय के साथ परिवर्तन संगठन में आना चाहिए उसकी कमी होगी। हम अपने तरीके की, अपने हिस्से की बात जनता को जिस तरीके से समझाना चाहिए या जिस तरीके से आत्मसात करवाना चाहिए उस बात को सही तरीके से ले जाने में भी कमी होगी। मैं उसको नकार नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैंने 3 बार कहा है जो जीता वो सितन में, जनता ने जो जनादेश दिया सर्व आते। मेरे भाषण में भी मैंने कहा कि जो कुछ भी है कुछ तो अलग परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। नया संगठन बनाना है, युवा संगठन बनाना है, केडर बेस्ड संगठन बनाना है, आइडियोलॉजी से लेस संगठन बनाना है और जनता से सरोकार वाला संगठन बनाना है। ये आवश्यकता है। आप सबको भी उस सभा में आमंत्रित करता हूँ, राहुल जी की यात्रा में आमंत्रित करता हूँ और सहयोग की अपेक्षा से कि मेरे परिवार का, मेरा व्यक्तिगत तो आप लोगों से बहुत पुराना और अच्छा रिश्ता है। मैं लगभग साथियों को व्यक्तिगत भी जानता भी हूँ और आपसे मेरा व्यक्तिगत बातें भी होती रहती है, पर रतलाम की जो मीडिया है वो भी बड़ी जिज्ञासु और बहुत सम्मानित और संस्कारी है। मैं आप सबको अभी स्वागत करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अब कोई सवाल हो तो आप। फिर समय बदला, कांग्रेस पार्टी कोर्ट ने कहा उस आधार पर बार बार हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान कहता है कि जिस धर्म का जो व्यक्ति है वो अपने धर्म की जीवन जीने की पद्धति खुले रूप से कर सकता है, जिस धर्म का जो है। कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है और हिंदू धर्म भी ये कहता है और संविधान भी ये कहता है। मैं हिंदू हूँ, राम में भरोसा रखता हूँ, तो भगवान राम की जीवन पद्धति से, अपनी जीवन पद्धति को आत्मसात करते हुए उनको अपना आराध्य मानो, स्वतंत्रता गर्व महसूस करता हूँ, फक्र महसूस करता हूँ। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। जब कोर्ट ने फैसला दिया सबने स्वागत किया, पक्ष ने भी विपक्ष ने। अब बीजेपी की सरकार थी जब फैसला है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अगर मंदिर उनके कार्यकाल में बना तो मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर मोदी जी हमें कहे कि मंदिर आज जाना और कल जाना, तो मैं समझता हूँ ये तो किसी भी धर्म में कोई भी व्यक्ति किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता है। हमें मंदिर राम के जाना है, राम लला के दर्शन करना है, बार बार करना है, हर बार करना है, 1,00,000 बार करना है और करेंगे। ये हमारी आस्था का विषय है, करेंगे ही। राम यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी और मंदिर जाएगी और दर्शन करेंगे मध्य प्रदेश में। पर मोदी जी कहेंगे, शिवराज जी कहेंगे, मोहन यादव कहेंगे, तब करेंगे। हमें हमारे माता पिता के पैर लोगों को बताने के लिए छूना है कि आस्था और सम्मान के लिए छूना है। मेरे माता पिता की सेवा मुझे मेरी आस्था के साथ करना है या मुझे पड़ोसी कहेगा क्या, इसके लिए करना है। मुझे भगवान राम के हर कांग्रेस की आस्था का विषय है, हर कांग्रेसी की आस्था का विषय है। हम उसमें अपनी भावना को व्यक्त करते हैं और मानेंगे भी और मानते भी हैं, सदियों से मानते और सदियों तक मानेंगे। ये बीजेपी के हिसाब से नहीं चलेगी। जो कहा वो करें, जो सरकार ने कहा वो उसको मूर्त रूप है। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, बार बार कहते हैं। जहां तक प्रश्न है राहुल जी की भारत जोड़ो नया यात्रा का, हमारे लिए सौभाग्य है कि 2 तारीख के दिन मुरैना से लेकर 6 तारीख को रतलाम तक भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। मध्य प्रदेश भर में हो चाहे यहाँ से आगे बदनावर में बहुत बड़ी आम सभा है जो आदिवासियों के सम्मान और सत्कार की है, उससे आगे उज्जैन में महाकाल के दर्शन और रोड शो है, उज्जैन में सभा का आयोजन है, उससे आगे राजगढ़ हो, ब्यावरा हो, शाजापुर हो, गुना हो, शिवपुरी हो, ग्वालियर हो या मुरैना, ये सब जगह सभाएं और लोगों से संवाद का विषय है या युवाओं से बात का, किसानों से, हमारे एसटीएससी के साथियों से, ओबीसी के साथियों से, महिलाओं से, कई संवाद भी उनके दौरान है। रतलाम की जो प्राचीन सभ्यता है ये एक बहुत सभ्य, सरल और संपन्न शहर, बुद्धिजीवियों का शहर है।
मैं मानता हूँ यहाँ का जो संदेश है, यहाँ की जो भावना है पूरे देश में जाती भी है, और जो रतलाम का अपना एक प्राचीन इतिहास है वो भी इतना समृद्ध और संपन्न है, उसका सम्मान भी मैं समझता हूँ राहुल जी के अंतर मन में बसा हुआ है। जब हमारी चर्चा हो रही थी रतलाम को लेकर, तो रतलाम को लेकर उनके जो अंतर मन में जिज्ञासा थी, पॉजिटिविटी थी, यहाँ के इतिहास और परंपराओं की बातें थी, वो भी सर्वविदित है। तो हमें खुशी होगी कि यहाँ रतलाम में रोड शो करेंगे और यहाँ सभा का संबोधन होगा, ऐसे सेलाराम में रोड शो होगा, सभा का संबोधन होगा। पर एक सवाल जो रतलाम शहर के निवासियों से मैं करना चाहता हूँ, आप बार बार वोट देते हो भारतीय जनता पार्टी, जो जीता वो सिकंदर, सोच समझ के देते हो, मैं उसको चुनौती नहीं देना चाहता। पर क्या हुआ, जिन उद्योगों को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के विधायक ने बार बार लाने की बात की थी, एक भी उद्योग चालू क्यों नहीं हुआ इस 10-15 साल? क्या लॉजिक है कि सीवरेज का इतना बड़ा घोटाला हुआ, कौन था दोषी उसका? 150 करोड़ से ज्यादा सीवरेज के घोटाले का दोषी कौन था? क्या लॉजिक है कि आपने मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी और 1 रुपया भी ऐसा जिससे हम कह सके कि हमारे विधायक ने या भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने रतलाम के वोट का सम्मान रखा, एक भी हुआ तो बता? क्या लॉजिक है कि जब भी रतलाम के जिस तरीके के सम्मान और स्वागत की परंपरा है या इसका व्यवहार है, उसके सम्मान बढ़ाने की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी वो काम क्यों नहीं कर पाती है, सिर्फ वोट क्यों ले पाती है? मैं फिर से उन सवालों को जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले रतलाम की और प्रदेश की जनता से कहे थे वो पूर्ण करें, वो चाहे गेहूं के दाम की बात हो, चाहे महिलाओं के 3,000 रुपए के हमारी बहनों के अधिकार की बात, बीजेपी को करना चाहिए। शिवराज जी रोज एक पौधा लगा और रोज ये बात कर रहे हैं, जैसे उससे हम मिलते हैं, कैसे हो शिवराज जी? मुझे मिले थे थोड़े दिन पहले, आनंद हाँ मजे ले रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने कहा मोहन भैया कैसे हैं? तो थोड़ा सा सोचते विचारते और फिर कहते हैं जीतू दूल्हा तो मुझे बनाया गया था, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं था और लोगों के साथ धोखा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, बोल नहीं पा रहे। जैसे आप लोगों में मैंने अभी आप लोगों के लिए कहा, मैं बीजेपी के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जिस तरीके से लोकतंत्र को छोटा और डराने के भावना के साथ बीजेपी का आपका नेतृत्व देश में ला रहा है, एक दिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की कद्र भी नहीं बचेगी। आज आज शिवराज जी की जो गत हुई, हमारे विरोधी थे पर मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, जो खूब मेहनत करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, बहनों से वादे करके अपनी सरकार बनाई, आपने उस लोकतंत्र की लोकप्रियता की भावना की भारतीय जनता पार्टी ने हत्या की। अगर उनकी सरकार बनी थी तो शिवराज जी के चेहरे पर बनी, उनको दूध में से मक्खी जैसा निकाल के बाहर किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज अनुशासन का नहीं है, ये मैसेज तानाशाही का, कि हम लोगों के मत का और विधायकों के अधिकार का की भावना की कदर नहीं करते, हम अपनी डिक्टेटरशिप की भावना की, आदेश की भावना की फिक्र करते हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी खतरा है, बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिनने दिन रात तक हिम्मत से, जिन्होंने बीजेपी को खून से सींचा, अपने मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पर आज उनका क्या सम्मान है भारतीय जनता पार्टी, क्या उनकी भावना है भारतीय जनता पार्टी? वो जो बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता थे पुराने, जब एक तरफा कांग्रेस थी, जो बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, उन परिवारों की क्या हर्ष है? जरा आप चिन्हित करो, तो मत के मध में बीजेपी की, आज की बीजेपी एकदम सर माथे पे लेके मदमस्त है। जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन इनको सबक सिखाएंगे, धन्यवाद। जिसमें 500 से ज्यादा विधायक या तो बिके या दल बदल किए, अब नई परंपरा है कि जो प्रेशर चलाता है, जिसको रॉयल्टी नहीं देनी है, करप्शन करना चाहता है, उससे बात करो और उसको अपनी पार्टी में लेके आ जाओ। जिसको बस चलाना बिना परमिट से, जैसे गुना में चल रही, भारतीय जनता पार्टी का ही नेता था ना, जिसमें 11 लोग स्वाह हो गए, परमिट बगैर बस चलाना हो भारतीय जनता पार्टी का, पत्रकारों पे हमले करने हो, उनके पे भी यातना देनी हो, तो फिर बीजेपी में सत्ता के साथ रहो।
अगर किसी भी तरह का क्राइम करना हो, किसी भी तरह का क्राइम, जितने अपराधी टाइप लोग हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी में आपको ज्यादा तादाद में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अपराध से जुड़े हुए हैं, जो जुए सट्टे चलाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मैं गलत हूं तो आप अपने अंतर्मन में भी समझे इस बात को, तो दूर दूर की बातें हैं। पर ऐसे लोग जिनका मन कच्चा है, जिनके दिमाग में स्पष्टता है, जिनको ये पता है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आइडियोलॉजी के साथ देश को आजाद कराया और देश की उन्नति के लिए भी शहादत दी, आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी शहादत देने की जिसकी इच्छा हो उसमें कांग्रेस में उसका स्वागत है, और जिसको राइट दिखानी हो, जिसको बस का परमिट चलाना हो, छोटे मोटे धंधे करने हो, वो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। जीतू भाई, कांग्रेस में कमलनाथ जी की क्या गारंटी? फुल गारंटी है, 100% गारंटी है, 101% गारंटी है। किस दिन कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ? अखबार ने कहा, पत्रकार ने कहा, बीजेपी ने कहा, उनके ही सवाल और उनके ही जवाब, कमलनाथ के ने सवाल थे ना जवाब थे, सब गलत। छिंदवाड़ा में तो कांग्रेस किस बेस पे कितनी सीटें जीतेगी, ये आपका क्या देखो दो तो क्या है? तो ये भी मेरा जोड़ है। आपका क्या था? लोकसभा की तैयारी क्या है? ये कांग्रेस कब तक अपने मैंने अभी कहा आपके माध्यम से, जहाँ तक झाबुआ और रतलाम लोकसभा का प्रश्न है, हर हालत में हम कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा यहाँ से जीतेगा। अभी मेरी पूरी बात माँ की जीतेगी। रही बात जब 29 की बात वो करते हैं, तो जहां आप बैठे हो वहां जीतेंगे, तो 29 तो आ नहीं सकते। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आपकी अब भावना की वैल्यू नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, उसका विचार नहीं करता, वो वोट जो आपके परिवार के लोग देते हैं उसकी वैल्यू भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। ये अहंकार 400 पार, ये क्या मैसेज? बीजेपी ने कहा था पिछले चुनाव में, अब की बार 200 पार, दो भी नहीं हुए थे। तो ये मोटिवेशन लोकतंत्र की उस आस्था का जिसमें भरोसा हो, क्या कारण है कि ईवीएम पर 70% लोग अब सवाल उठाने लगे? क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहा कि देश को आप डिक्टेटर जैसे चलाने लगे हो, तानाशाही की ओर ले जाने लगे हो? कोर्ट ने कहा, हमारा आरोप तो है ही, पर कोर्ट ने कहा नहीं कहा, इससे बढ़कर कोर्ट ने परिणाम बदल दिया। क्या कारण है कि सवाल इतने लगे उस भरोसे पे जो लोकतंत्र में भरोसा देते हैं आपके वोट का? तो ये भी देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमें भी चिंता है, आपको भी करनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आज आप मुझसे सवाल कर रहे हो, याद रखना मेरी बात। एक दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये मीडिया सवाल नहीं कर रहा। अगर लोकतंत्र की रक्षा हमारी तो लूटी है ही, हमारी कमी भी है, उसको हम सुधारेंगे भी सर, पर मीडिया जगत के साथियों से भी मेरा आग्रह हाथ जोड़कर कि लोकतंत्र को और आपकी ताकत को आपको जिंदा रखना हो तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की क्रिटिसिज्म करो, उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे, उसके साथ खड़े होने लग जाओगे, तो एक दिन बीजेपी के लोगों से आप सवाल नहीं कर पाओ। बिल्कुल सही है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने भोजन का अधिकार दिया, गारंटी दी, आज कानून है उसका। हम ही थे जिन्होंने सूचना का अधिकार दिया, हमने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया, हम ही थे जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, हमने निर्णय लिया है कि भूमि अधिग्रहण किसानों के हित का एक नींव का पत्थर कांग्रेस पार्टी ने डाला है। अब हम उससे भी बड़ा काम, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर समर्थन मूल्य की गारंटी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली की बॉर्डर पर आज किसान गोलियां खा रहे हैं, आंसू गैस खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, जिस मांग को लेकर हो रही है उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करते हुए किसानों के हितों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हम इस चुनाव में हमारा प्रमुख मुद्दा होगा। और मैं मानता हूं कि हमने जो गारंटी दी पूरी की है, बीजेपी और मोदी की गारंटी, मैंने जैसा बोला एक भी गारंटी कोई पूरी हुई हो, एक भी सिंपल एक मोदी गारंटी जिसका नाम और पूर्ण हुई हो, तो बीजेपी का कोई भी साथी आके मुझसे तर्क कर सकता है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर,
सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।